अब ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? ग्रेडियंट मतलब होते हैं कलर शेड्स, मतलब कोई अभी आप जो अप्लाई कर रहे थे सिंगल कलर, उसको तो आप कह रहे थे सॉलिड कलर, जो आप पेंट बकेट टूल से यूज कर रहे थे। तो उसके बाद हम यहां से लेते हैं ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट पे क्लिक करके हमारे पास ये फ्रंट और बैक कलर है, इस पे क्लिक करके यहां से लेंगे हम इसको सी ग्रीन पर, और यहां से हम ले लेते हैं इसका डार्क ग्रीन वर्जन। ये दो कलर शेड से मिलकर जितने कलर्स बनेंगे उनको ग्रेडियंट कहते हैं। यहां से हम क्लिक करके बेसिक कलर पे चले जाते हैं, तो यहां से कलर शेड्स पे अप्लाई करते हैं। ये देखिए, और रेडियल पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इस पर अप्लाई करते हैं, ये देखिए। और ये देखिए, और ये देखिए, ये इसके स्टाइल से डिफरेंट तरीके से आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो दो कलर शेड्स बनाए फोरग्राउंड बैकग्राउंड आप बना सकते हैं। फर्दर मोर आपको यहाँ क्लिक करेंगे बेसिक के अंदर, फिर आप आ जाएं ब्लू शेड के अंदर, बने बनाए शेड्स मिल जाएंगे, कोई भी शेड लें, फिर स्टाइल चूज कर लें किस स्टाइल में अप्लाई करना है। फिर यहाँ क्लिक करें, ये देखिए बने बनाए काफी शेड्स बन जाएंगे। तो इस तरह आप किसी के ऊपर भी कोई भी बना बनाया जो ग्रेडियंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से क्लिक करके आप टेक्स्ट ओनली में उनके नाम के हिसाब से देख सकते हैं, लार्ज आइकन करके उनको इस तरीके से देख सकते हैं, क्लिक करके यहां से क्लिक करेंगे और ये डिफरेंट स्टाइल में आपको नजर आ रहा है। फिर ग्रेडियंट के साथ भी देखें, ऑपेसिटी का वही ऑप्शन दिया हुआ है और एक रिवर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। भाई ऑपेसिटी 100% है तो फुल कलर के साथ आएगा, कम करेंगे तो हल्का हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करा दी हमने और इसका 50% कर दिया हमने, 30%, और एक दूसरा ग्रेडियंट ले लिया हमने यहाँ से ब्लू वाला, और ये इसके ऊपर लेयर पे अप्लाई कर दिया, ये दोनों मिक्स हो गए, ठीक है। रिवर्स का मतलब ये है कि अगर जैसे ग्रेडियंट इसको मैं 100% कर रहा हूँ दोबारा से, इस तरह से अप्लाई हो रहा है ग्रेडियंट, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं हम, ये वाला इफेक्ट, ये देखिए इस तरह अप्लाई हो रहा है। तो अगर अब रिवर्स हटा दूंगा, मतलब रिवर्स में ये होता है कि अब ये इसमें कैसे इसको समझने की कोशिश करें, जैसे हमने इसको इसे अप्लाई किया और अब इसका रिवर्स वर्जन लिया हमने, तो कलर्स जो हैं वो एक दूसरे से रिफ्लेक्शन पर आएंगे, ठीक है, आगे चल के और समझ में आ जाएगा रिवर्स कैसे काम कर रहा होता है। तो ग्रेडियंट्स मतलब कलर शेड्स जो आप अपने बैकग्राउंड में दे रहे होते हैं, और अपनी मर्जी का ग्रेडियंट बना रहे हैं तो ये बेसिक वाला ऑप्शन लेंगे और यहाँ से जो भी दो कलर्स आप लगाएंगे वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और फिर किसी के भी बैकग्राउंड में आप इस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं जी। फिर हमें खोलना पड़ेगा इसका ग्रेडियंट एडिटर। यहाँ पर ये कलर स्टॉप्स हैं, यानी कि कलर की बोतलें हैं, इनके अंदर दो कलर्स तो होते ही हैं, तीसरा कलर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये एक और ऐड हो जाएगा। अब जो तीसरा कलर आप इसमें देना चाहते हैं वो यहाँ से सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे, फिर जो तीसरा कलर आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यहाँ से एक नया लेयर ऐड करेंगे, क्लिक करेंगे, डिलीट करेंगे, यस करेंगे, क्लिक करेंगे, और इसको भी यहाँ से डिलीट करेंगे, और यहाँ से इसको क्लिक करके ये देखिए, ठीक है ना। फिर एडिटर पर चले जाएं, यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट करना, पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसका कलर चेंज करना है यहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ से क्लिक करके यहाँ से कोई दूसरा कलर दे देंगे, ओके कर देंगे, एंड देन इस तरह के ग्रेडियंट शेड्स आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, चाहे वो फिर आप किसी भी उस पर लगा रहे हैं, लेयर पे लगा रहे हैं, शेप पे लगा रहे हैं, वो इसी तरह से ये अप्लाई होगा।